हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 15 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडो ओमान जॉइंट एक्सरसाइज एआई नागा थर्ड 2019 ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमान कमेंस्ड दिस मॉर्निंग एट हेडक्वार्टर जबेल रेजिमेंट निजवा ओमान। इंडो ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा तृतीय 2019 रॉयल आर्मी ऑफ ओमान और भारतीय सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो आज सुबह एचक्यू जबल रेजिमेंट निजवा ओमान में शुरू हुआ है। आज सुबह का मतलब है 14 को, यानी कि 14 मार्च को। द नाइन्थ राउंड ऑफ द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। बोथ साइड रीफर्म्ड टू डेनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टू नॉन स्टेट एक्टर्स एंड वर्क टूवर्ड सेटिंग अप यूएस न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया एग्रीमेंट। भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता का नवा दौर वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। दोनों पक्षों ने गैर राज्य अभिनेताओं को बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से इनकार करने और समझौते के साथ भारत में अमेरिकी परमाणु संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने की पुष्टि की है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेज ग्राउंड ग्रुप स्टेशन इन जापान इज इन्वॉल्व इन ए जॉइंट एक्सरसाइज विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन हैदराबाद एम्ड एट एनहेंसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द टू कंट्रीज। जापान में तैनात यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्स ग्रुप हैदराबाद में भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड ए जीआई टैग सिरसी सुपारी टू एडिकनट ग्रोन इन सिरसी सिद्धापुर एंड येलापुर तालुका ऑफ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। भारत सरकार के भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी सिद्धपुर और येलापुर तालुकों में उगाई जाने वाली सुपारी सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट, इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए ग्रांट असिस्टेंस ऑफ अप टू 250 मिलियन यूएसडी टू नेपाल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ हाउसिंग एजुकेशन हेल्थ एंड कल्चरल हेरिटेज दैट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डिवास्टिंग अप्रैल 2015 अर्थक्वेक विच सा द डेथ ऑफ ओवर 9,000 पीपल। भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अनुदान सहायता का विस्तार किया है। नेपाल अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान नष्ट हो गया था, जिसमें 9,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट रैंको रिपोर्ट्स की। इंडिया विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड हैज द 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व विद द करंट होल्डिंग पैकेज एट 607 टन एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सोने के विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता भारत के पास 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जो वर्तमान में 607 टन है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की।
the President and Supreme Commander of the Indian Armed Force, Ram Nath Kovind, confirmed 3 Kirti Chakra and 15 Shaurya Chakra to Armed Forces personnel for displaying conspicuous gallantry, indomitable courage and extreme devotion to duty at a Solemn ceremony in the Rashtrapati Bhavan. 2 Kirti Chakras and 1 Shaurya Chakra was given posthumously. भारतीय सशस्त्र बलों के राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सशस्त्र सेना कार्मिकों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए। 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट भाई बात करते हैं बैंकिंग न्यूज की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज लॉन्च्ड डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन ओवर 70 ईयर्स ऑफ एज एंड डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर्स। एलिजिबल कस्टमर्स कैन अवेल दिस सर्विस एट ए नॉमिनल फी ऑफ 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड 60 रुपीज फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 70 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। पात्र ग्राहक वित्तीय लेनदेन के लिए 100 रुपये प्रति लेनदेन और गैर वित्तीय लेनदेन के लिए 60 रुपये के मामूली शुल्क पर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम मार्च 14 टू मार्च 21 इन द UAE हैज मेड हिस्ट्री बाय वेलकमिंग ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 200 नेशंस एहेड ऑफ द गेम्स। ऑफ द 200 नेशंस 195 विल कम in the games and 5 will observe. It is being held in West Asia for the first time. 75,000 athletes will take part in 24 Olympic style sport over 7 days. UAE में 14 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व गेम खेल 2019 ने खेलों से पहले 200 से अधिक देशों का रिकॉर्ड तोड़ स्वागत किया है। 200 राष्ट्रों में से 195 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और 5 अवलोकन करेंगे। यह पहली बार पश्चिमी एशिया में आयोजित किया जा रहा है और इसमें 7 दिनों में 24 ओलंपिक खेलों में 7500 एथलीट हिस्सा लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कॉम्पिटिशन चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।